आईएएस साहब ने करके बताया, पीछे खड़ा जी जान के लिए। मेरी मेरी धर्म पत्नी ने पहले कह दिया, अरे गुड्डा आ रहा, मंत्री जी रुक जा, अरे ये मुख्यमंत्री तेरे पर टिकाएगा। मेरे तो जेल को लाइसेंस भी रिन्यू करवा पड़ते है मां को है। पहले सब राजस्थान का गृह मंत्री खेतड़ी से जो विधायक है वो सिपाही का ट्रांसफर नहीं करता, वो भी मुख्यमंत्री जी करते। बाद में तो एक एड आता था वॉशिंग पाउडर का, दाग ढूंढते रहोगे, दाग ढूंढते रहोगे। मैं तो बहुत सुंदर वाली बात कही थी, वो भी झूठी हो सकती है, उससे नीचे आ सकते हैं कि शहीद वीरांगना को नौकरी के बारे में जो बातें उठ रही हैं, मैं इस नौजवान के सामने खड़ा होकर कहना चाहता हूं, इस सरकार में हम लाचार हैं। राजस्थान का गृह मंत्री खेतड़ी से जो विधायक है वो सिपाही का ट्रांसफर नहीं करता, वो भी मुख्यमंत्री जी करते। वेद प्रकाश जी मुझे कह रहे थे कि सैनिक कल्याण मंत्री यहाँ बैठे, अरे भाई मेरे हाथ में हो तो दो मिनट के अंदर पूरे परिवार की नौकरी लगा लगा किसके दू, मैं लगा किसकी दू। सबसे बड़ी बात यह है, पूरे पावर को हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेंट लाइज कर रखा है, पूरा पावर मुख्य और कोई न्याय की बात करता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में कहा था, न्याय चाहे तो आता दो, उसमें भी यदि कोई बाधा है तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी खेल खाएंगे पर हित को नहीं सताएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे नहीं सका, उल्टा हरि को बांध के चला सुई की नोक। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो सुई की नोक देख दी है। लोग भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते तो कि कार्रवाई कर दो, अनुशासनहीनता हो गई। अरे मैं पूछना चाहता हूं, इस नौजवान ने 200 विधानसभा 200 क्षेत्र के अंदर नौजवान के साथ झोली लेके और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खा के 200 विधानसभा क्षेत्र में चक्कर मारा था, और उसी की परिणति थी, उसकी परिणति थी कि राजस्थान में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद दूध में मक्खी निकाल के फेंकते वैसे बाहर फेंक दिया। मैं कहना चाहता हूं, ये राजस्थान का नौजवान आने वाले 6 महीने के बाद में तो एक एड आता था वॉशिंग पाउडर का, दाग ढूंढते रह जाओगे, दाग ढूंढते रह जाओगे। मैं तो बहुत सुंदर वाली बात कही थी, मैं तो बहुत सुंदर वाली बात कही थी, वो भी झूठी हो सकती है, उससे नीचे आ सकते हैं। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, और जब चुनाव हुए तो उनकी उम्र 52-53 साल थी, जवान थे, सरकार नहीं बना पाए। 156 थे उनके 56 बना दिए। दूसरी बार जब चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, दोबारा चुनाव हुए तो उनकी उम्र 62-63 साल की थी। उस टाइम में भी मुख्यमंत्री जी ने सरकार नहीं बना पाए और 100 के 21 बना दिए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी 73 साल के हो गए। 2003-2013 के अंदर जवानी थोड़ी बहुत बची हुई थी, अब 73 के हो गए। मेरा आप मतलब प्रचंड बम बताएगा समाचार।
नौजवान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भाई राजेंद्र गुटाके साहब तो कभी भी अनुशासन कर देना यार तैयार है भाई। क्या बात करते झूठे मुकदमे। अरे मैंने तो मेरे घर से 384,000 रुपए दिए और झूठे मुकदमे और झूठे मुकदमे। मेरी मेरी धर्मपत्नी ने पहले ही कह दिया अरे गुड्डा अरे बोले मंत्री जी रुक जा बोले ये मुख्यमंत्री तेरे को टिकाएगा। मेरे तो जेल को लाइसेंस भी रिन्यू करवा करते हैं माँ को है तो है। पहले साहब चिंता मत करना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये राजस्थान की 36 कौम सभी धर्मी जात धर्म और जाति और बिरादरी का नौजवान आपके पीछे खड़ा जी जान के लिए पायलट साहब के